खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से, जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट टंडोलियार समेत दीगर कोर्ट की सालाना कारकर्दगी की इंस्पेक्शन सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद के जस्टिस गफ्फार जुनैद ने की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनाम कलहोड़ो ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद के जस्टिस गफ्फार जुनैद का इस्तकबाल किया, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट मुअज्जिज जस्टिस गफ्फार जुनैद ने अदालतों के मुआयने के दौरान जज साहिबान से मुलाकात करके इनके मसाइल भी सुने और उन्होंने जज साहिबान को हदायत जारी की कि मुकदमा की समाअत को तेज़ किया जाए ताकि गरीब आवाम को सुना जा सके और फौरी इंसाफ जल्द अज जल्द मुहैया हो सके और इल्तवा के मुकदमात को भी फौरी तौर पर चलाया जाए। बाद अजान सिंध हाई कोर्ट के मुअज्जिज जस्टिस फार जुनैद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टंडोलियार के सदर अगैसुल इस्लाम की दावत पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टंडोलियार में खिताब करते हुए जज और वकला बरदरी एक दूसरे के दामन से जुड़े हैं, वकला बरदरी के जो भी मसाइल हैं इन्हें फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इनका कहना था कि वकला बरदरी अपनी तमाम केसों की मुकम्मल तैयारी के साथ केसों की समाअत को जल्द अज जल्द चलने में अपना रोल अदा करें ताकि आवाम को सुना जा सके और फौरी तौर पर इंसाफ फराम किया जा सके और सब मिलकर इस अदारे को मजबूत बनाएं और आवाम को सुने और फौरी इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएं।